क्या होगा जब हम 100 वाट के लैंप और 200 वाट को लैंप को क्या करेंगे, हम सीरीज में लगाएंगे। क्या होगा जब हम 200 वाट लैंप और 100 वाट के लैंप को पैरेलल में लगाएंगे। अक्सर यह हम पूछा जाता है कि अगर 200 वाट के लैंप को और 100 वाट के लैंप को सीरीज में जोड़ेंगे तो कौन सबसे तेज जलेगा। हम जानते हैं कि जो जिसकी ज्यादा वाटेज होती है वो ज्यादा पावर देता है, ज्यादा उष्मा देता है, लेकिन सीरीज में कौन सबसे तेज जलेगा और पैरेलल में कौन सबसे तेज जलेगा, इस वीडियो में हम देखने वाले थे। हमने यहाँ पे दो लैंपों को, एक 100 वाट का है एक 200 वाट का है, दोनों को पैरेलल में कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे एक 200 वाट का लैंप है एक 100 वाट का, इसको हमने सीरीज में कर दिया है। अब देखने वाले हैं सप्लाई देखे कौन सबसे तेज जल रहा है पैरेलल में और कौन सबसे तेज जल रहा है सीरीज में। ठीक है, तो पहले हम पैरेलल वाला को चेक करेंगे, सप्लाई देते हैं, ये भी जानेंगे कि क्यों तेज जलता है और सीरीज में क्यों कम जलता है या तेज जलता है, ये दोनों चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पैरेलल वाला को ऑन करेंगे। देखिए ये 100 वाट का लैंप है, ये 200 वाट का लैंप है, 200 वाला लैंप क्या कर रहा, बहुत ही तेज जल रहा है, मतलब ज्यादा ही उसमें दे रहा है। ठीक है ना, ये चीज हम क्या करेंगे, हम सीरीज में करके देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सप्लाई ऑन करते हैं। देखिए ये सीरीज में है, ठीक है ना, ये सीरीज में, ध्यान से देखिएगा ये जो लैंप है क्या है, बहुत ही हल्का ग्लो कर रहा है, लेकिन कितना वाट का है, 200 वाट का है। लेकिन हमने सुना था कि 200 वाला क्या करता है, ज्यादा जलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम, लेकिन यहाँ पे देखिए 100 वाट वाला क्या हो रहा है, ज्यादा जल रहा है। इसका रीजन क्या है, रीजन जानेंगे, इसका रीजन क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R, H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R, तो I तो दोनों में क्या है, सेम है, I क्या है, दोनों में सेम है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होती है, 100 वाट वाले की ज्यादा होती है और 200 वाट वाले क्या होती है, कम होती है। लेकिन जिसमें ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या करेगा, अधिक जलेगा। जिसमें जिस लैंप में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा वो अधिक जलेगा। अब वोल्टेज ड्रॉप किस पे निर्भर करता है, रेजिस्टेंस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, रेजिस्टेंस में। अगर हम बात करें एच बराबर आई स्क्वायर आर, तो आर का मान यहाँ पे क्या है, 100 वाट वाला ज्यादा है, इसलिए ज्यादा हीट उसमें देगा, इसका कम है तो क्या करेगा, ये कम देगा। लेकिन बात करते हैं पैरेलल वाले की, इसमें क्या होगा, जिसकी वाटेज ज्यादा होती है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, ज्यादा उष्मा देगा, ये ज्यादा प्रकाश करेगा। जिसकी वाटेज कम होता है वो कम करेगा। इसके लिए पी बराबर क्या होता है, भी स्क्वायर बटा में आर। जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, उसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा उष्मा देगा। इसकी पावर क्या है, इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा है तो कम देगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या करेगा, पावर कम देगा। तो अक्सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन तेज जलेगा, पैरेलल में कौन तेज जलेगा, सीरीज में कौन तेज जलेगा। तो समझ में आ गया,